अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे 10 दिन हो चुके हैं, कोई भी व्लॉग नहीं आया। मैं आज नायगांज एरिया में हूँ, जो बंद टूटा था सैलाब में, वही जगह पे मौजूद हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये देखें मेरे पीछे बंद टूटा हुआ है, और आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू दिखाऊं। और यहाँ पे बहुत ख़तरनाक सैलाब आया था, तो थोड़ा सा आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नायगांज बांध के ऊपर हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो लाइन सीधा दूसरे वो जहाँ से यहाँ पे नायगांज का जो शगाब पड़ा था, बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही ख़तरनाक। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जो नीचे वाले विलेज मतलब नीचे थे, वो सब डूब चुके थे। ना जाने कितना नुकसान हुआ फसलों का, और भी बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये है नायगांज का बंद। अभी तक इसका कोई भी नहीं आया ठीका, मतलब कोई भी ठेकेदार यहाँ पे काम, या कोई गवर्नमेंट हमारी नोटिस नहीं लिया इसका। तो अभी भी हमारे विलेज यानी दूसरे विलेजों को ख़तरा है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस बंद का जल्दी से जल्दी ठेका और इसको बांध लें, वरना ये ख़तरनाक हमारे दूसरे विलेजों को भी नुकसान हो सकता है, और जो ही को हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट दादू को, और जो ये रोड बन रहा है दूसरा, जो ही टू हाजी खान, ड्रिकबाला और हैरो खान, इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक ये बंद मज़बूत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, तो इसको बांध ले तो अच्छा होगा। तो आइए थोड़ा सा दिखाऊं कौन सी जगह से टूटा हुआ था। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से ये टूट भी, यहाँ से भी टूटा और वहाँ से भी टूटा। तकरीबन तीन चार जगहों से टूटा, और यहाँ से, और अभी दिखाऊँ आप लोगों को वहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी टूटा। बहुत ही ख़तरनाक सैलाब था। तो ये देखिए पहाड़, यहाँ पे तार लगी हुई है, देखिए फिर भी टूट चुका। अंदर से तकरीबन बज रहा था इसलिए टूटा, नहीं तो ये टूटना नामुमकिन था। अगर ये यहाँ पे पत्थर होते, ये इतने, ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, अगर ये पत्थर होते तो शायद नहीं टूटता। तो उसमें ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पुल हुआ करती थी, और यहाँ पे ब्रिज थी, उसको पानी ने मुकम्मल तोड़ दिया। ये देखें, यहाँ से पानी जाता था, वो भी टूट चुकी है। ये देखिए,